सुविधापूर्ण बनाने में सबसे ज्यादा योगदान वैज्ञानिकों का रहा है। वैज्ञानिकों के कारण ही आज हम ये टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, फिर टीवी, दूरदर्शन आदि का हम उपयोग कर रहे हैं। तो जो ये वैज्ञानिक होते हैं, आपने इनमें से कई वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, जैसे कि डॉक्टर सर सी वी रामन, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। चैप्टर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। इस पाठ के अंदर हमको डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले वैज्ञानिक के बारे में पता चलता है, उन जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। अगर हम उनके जीवन के बारे में देखते हैं, उनके प्रसंगों के बारे में देखेंगे, फिर उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है उनका हम अवलोकन करें, परीक्षण करें और उनके जैसे हम परिश्रम यानी कि मेहनत करें और हमारे मन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसाएं, तो हम भी उनके जैसे महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और इस मानव जाति का हम कल्याण कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, यशस्वी यानी कि नामी। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। हम साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे। यशस्वी यानी कि नामी। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि जो वो 2 ही साल के थे तब ये हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा, ये जो बालक है वो बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनेगा, यशस्वी बनेगा यानी कि नामी व्यक्ति बनेगा। तो उनकी भविष्यवाणी को उस बालक ने अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार। उनका परिवार प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सल्ला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई-बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। प्रतिभावान यानी कि तेजस्वी बुद्धि वाला।
ये जो विक्रम साराभाई है वो बचपन से ही तेजस्वी बुद्धि वाले थे। उनके जीवन का बचपन का एक प्रसंग है वो बताता है कि उनको सफलता हासिल करने के लिए उनके जो इरादे थे कितने बुलंद बुलंद यानी कि ऊंचे। उनके इरादे कितने ऊंचे रखते थे वो। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी, ढेरों यानी कि ज्यादा। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। उनके पिताजी बड़े उद्योगपति थे और प्रतिष्ठित थे, तो उनके नाम पे जब वे शिमला जाते तो वहाँ पे भी उनको ढेरों चिट्ठी आती है। तो इस बालक के मन में भी यही प्रश्न इच्छा होती है कि मेरे नाम पे भी ऐसे ढेरों पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। तो विक्रम साराभाई ने क्या किया उस वक्त कि कई लिफाफे लिए और उनके अंदर उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी और लिफाफों पर अपने नाम और पता लिख दिया और डाकघर में जाके उसको डाल आए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। जब पिता ने देखा तो उनके मन में इच्छा हुई कि मेरे बेटे के नाम पर इतनी सारी चिट्ठियाँ क्यों आती है और कौन लिखता है। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। असलियत यानी कि वास्तविकता। जब उनको वास्तविकता मालूम होती है तो उनको पहले हंसी आती है, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा कि बेटा सफलता प्राप्त करना चाहता है और उसके इरादे बहुत ही बड़े हैं, तो यह जानकर उनको अच्छा लगता है। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। कलाबाजियां यानी कि करतब। जब वे 8 साल के थे तो वो क्या करते थे, साइकिल पर करतब दिखाते थे। तो अलग अलग प्रकार के करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहस करने वाले जो कारनामे यानी कि कार्य, जो साहस करने वाला कार्य था वो उनको प्रिय था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र। ये जो विक्रम साराभाई है उनको गणित और भौतिक शास्त्र जैसे विषयों में गहरी दिलचस्पी यानी कि रस था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने सन 1940 में बीएससी की परीक्षा पास की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सी वी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सानिध्य यानी कि निकटता। निकटता तो जब वे वापस भारत आते हैं तो ये महान वैज्ञानिक डॉक्टर सर सी वी रामन और डॉक्टर होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ रहने का उनको मौका मिलता है, सानिध्य मिलता है। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से वे बड़े प्रभावित हुए। उस वक्त हमारे देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था।
तो उससे वह प्रभावित होते हैं। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। सन 1942 में जो मृणालिनी स्वामीनाथन है उनके साथ वह शादी करते हैं। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब देखो अंतरिक्ष यानी कि आकाश, आकाश में से जो कॉस्मिक किरणें आ रही थी, ऐसे किरणें विकिरण जो एक रहस्यमयी थी, उनके ऊपर उन्होंने खोज की। अनुसंधान यानी कि खोज, संशोधन। उन्होंने उस विकिरणों पर खोज की और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, वहां से उन्होंने सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की, यानी कि प्राप्त की। उपाधि यानी कि पदवी उन्होंने वह प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। ब्रह्मांड और सौरमंडल में ऐसे कई जटिल प्रश्न थे जिनका हल नहीं मिल रहा था, लेकिन ये डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्रयोग करके उनका हल ढूंढ निकाला। तो उनका श्रेय यानी कि यश किसको मिलता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हमें कॉस्मिक किरणों पर खोज करनी है, संशोधन करना है, तो हिमालय की जो ऊंची चोटियां है वहां पे जाकर हमें करना चाहिए जो हमारे लिए अनुकूल साबित हो। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो उनके सुझाव को ध्यान में रखकर हमारी भारत सरकार ने क्या किया, गुलमर्ग में उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण यानी कि वैज्ञानिक साधनों से युक्त लैस यानी कि युक्त एक प्रयोगशाला को स्थापन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद प्रयास किया और सन 1947 में अहमदाबाद के अंदर एक बौद्धिक अनुसंधान प्रयोगशाला का स्थापन किया, जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे, संबद्ध यानी कि जुड़े, संबद्ध यानी रहे यानी कि जुड़े रहे। तो वे आजन्म से जुड़े रहते हैं वही प्रयोगशाला से। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ में उन्होंने क्या किया कि देश में जो वस्त्र उद्योग के अंदर एक तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसका हल निकालने के लिए और संस्था की उन्होंने स्थापना की, जिसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, बौद्धिक अनुसंधान प्रयोगशाला। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, बौद्धिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उनकी जो प्रयोगशाला थी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, वहाँ पे उन्होंने परमाणु शक्ति पर, अंतरिक्ष विकिरण पर, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा जैसे क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। तो आज हमने यहाँ तक पहला पाठ देखा है, बाकी का पाठ हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।